News 18। और छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर हथियार के साथ तीन आरोपी पकड़े गए हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर मुखर रहने वाले बाबा के आश्रम के पास पकड़े गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर पर हमले की साजिश किसकी? ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। कौन बाबा बागेश्वर की जान लेना चाहता है? बकरी बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में मार दो। बागेश्वर धाम के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर शूटर, अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर दे। वे हिंदुत्व वाले बयानों से टारगेट पर बाबा, एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी मारेंगे। बाबा बागेश्वर के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बागेश्वर धाम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। दीपावली से सिर्फ एक रोज पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर तीन आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से तीन आरोपियों में से दो आरोपी आदतन अपराधी हैं। बाबा बागेश्वर के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर जो तीन अपराधी पकड़े गए, उनमें दो का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। बागेश्वर धाम के पास ये तीनों अपराधी अवैध हथियारों के साथ घूमते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके नाम हैं मुबीन उर्फ बड़े खान, जिस पर हत्या की कोशिश समेत तीन केस चल रहे हैं। दूसरा आरोपी कुंज बिहारी पटेल, जिस पर लूट, चोरी, हत्या की कोशिश समेत 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर पर इस तरह खतरे की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले मई 2023 में भी बाबा बागेश्वर धाम के पटना में कार्यक्रम को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था और बिहार पुलिस ने उनके कार्यक्रम में आतंकी हमले की आशंका जताई थी। अभी बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 8 से 11 सुरक्षा कर्मी उनके साथ चलते हैं। सुरक्षा टीम में हथियार बंद कमांडो भी होते हैं। बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर न सिर्फ बागेश्वर धाम में बल्कि पूरे देश में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जहां वो प्रवचन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं। कई मौकों पर वो बिना किसी खास सुरक्षा के भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी कि क्या इनका कनेक्शन बाबा के बयानों से है? क्या उनके हिंदुओं के समर्थन में दिए गए बयानों ने उन्हें अपराधियों का टारगेट बना दिया है? हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में मार दो। और अब जिक्र उज्जैन का, जहां पर